हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को जींद के एक लव्य स्टेडियम में हो रहे समारोह में पहुंचकर आशीर्वाद देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से तथा हरियाणा की जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 16 अगस्त का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रथम पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि देने का अवसर है। वहीं दूसरी ओर 18 महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अमित शाह जींद की इसी धरा पर संबोधित करने आए थे और लौह पुरुष गृह मंत्री के नाते यहां आए हैं और देश की 130 करोड़ जनता ने उनके नाम की चर्चा है। उन्होंने वह काम कर दिखाया जिसका इंतजार देश पिछले 72 वर्षों से कर रहा था। 5 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में 370 धारा को हटाने का बिल पेश कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने कहा कि संयोग से उस दिन हरियाणा विधानसभा का सत्र भी चल रहा था। मित्रों, नीचे आपने मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनाई और ऊपर मोदी जी की सरकार बनाई और मोदी जी का हरियाणा के लिए जो प्यार है वो कोई छिपा प्यार नहीं है। मोदी जी हरियाणा को अपना राज्य मानते हैं, हरियाणा के विकास के लिए। मैं सिर्फ जींद की बात करता हूं, चौधरी साहब यहां बैठे हैं, 64 फुट का दीन बंधु छोटू राम की मूर्ति का अनावरण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में। हिसार के अंदर बहुत जल्दी एविएशन सेवा एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है और हिसार भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो, इस तरह से 200 करोड़ के निवेश के साथ हिसार एयरपोर्ट को बनाए। 35 किलोमीटर लंबी जींद हाथी रेल लाइन और 900 करोड़ रुपया उस पर लगाया। जींद रिंग रोड बाईपास का निर्माण पूरा होने वाला है जो पिछले 3 साल में नहीं हुआ, ये 3 साल के अंदर पूरा होगा। जींद से सोनीपत तक ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। 509 करोड़ की लागत से पुराने सोनीपत जींद तक जुड़ी हाईवे को 4 लेन करने का काम भी हाथ पे ले लिया है। जींद से पानीपत और जींद से दिल्ली रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी शुरू हो चुका है, एक ही साल के अंदर ये इलेक्ट्रिफिकेशन समाप्त हो जाएगा। जींद से बठिंडा तक की रेलवे लाइन भी इलेक्ट्रिक लाइन बनने वाली है। जींद शहर में 3 बड़े ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है। आप फोर्स डालोगे तब तक उस पर से आपकी गाड़ी जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम। 2 अंडरपास बनाए हैं और 400 करोड़ की लागत से जींद में पानी लाने के लिए कैनाल का निर्माण भी शुरू हो चुका है। आज का दिन 16 अगस्त कई मायने में महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात सर्वप्रथम मैं अपने महबूब नेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी आज प्रथम पुण्यतिथि है, मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। क्या आपने एक ऐसा काम कर दिखाया जो आजादी के 72 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वो सपना पूरा हो कि देश की एकता और अखंडता में जो एक कमी 1947 में रह गई थी, उस कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए आज से 15 दिन पहले जिस अनुच्छेद 370 को खत्म किया, धारा 35A को खत्म किया, ये मांग लगातार जनसंघ के समय से, भारतीय जनता पार्टी के समय में लगातार हो रही है। और एक सुबह जब हमको इस संकल्प का पता लगता है कि आज राज्यसभा में बिल पेश कर दिया गया है, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संयोग से उस दिन हरियाणा की विधानसभा का सत्र चल रहा था और जब मैंने इस खुशी का इजहार करते हुए
विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा कि आज इस काम के लिए हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हम अपने गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का अभिनंदन करते हैं, उनकी बधाई उनको देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।